ये सच है कि जब देश संकट से जूझ रहा हो तो सभी को आगे आकर देश सेवा में अपना हाथ बटाना चाहिए, लेकिन ऐसे में कुछ लोग अवसर तलाशते हैं तो कुछ लोग एक मुहिम शुरू कर महामारी जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों के फ्री में सेवा करते हैं। मामला पीलीभीत के एक गांव का है। दरअसल नौगवां पकड़िया के रहने वाले संदीप सक्सेना एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन जब उन्होंने कोरोना से जूझ रहे लोगों को दवा के लिए भटकते देखा तो उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर की दवाएं गरीब, असहाय और कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में देने का फैसला लिया। इस काम में वो लगातार 16 घंटे लगे रहते हैं। 10 से 12 ऐसे मरीज रोज मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है। संदीप सक्सेना पर्चे में लिखी दवाई उन्हें फ्री में देते हैं, वो उनसे कोई पैसे नहीं लेते। लोग इन दवाओं का थोड़ा बहुत पैसा देना चाहते हैं, उस पैसे से वो अगली दवा लाकर दूसरे मरीजों की सेवा करते हैं। देखिए, कोरोना की ये दूसरी लहर जब से आई है तब से हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ भागम भाग मची हुई है। लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, दवाइयों की कमी से मर रहे हैं। ऐसे में जो गरीब तबका है, जो असहाय तबका है, जिनके पास अभी काम नहीं है, अगर वो दवाई से मर रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जो इस प्रकार के लोग हैं उनको हम अपने जो कोरोना की जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो भी उनके पर्चे आ रहे हैं, उनको हम ऐसे लोगों को दवाइयाँ मुफ्त में दें। देखिए, ये इस समय इमरजेंसी, इसको हम लोग इमरजेंसी बोल सकते हैं, ये इमरजेंसी है। और इस इमरजेंसी के दौरान सरकार को इमरजेंसी के ही उस पर काम करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो स्टाफ है अस्पतालों में उनकी हमें संख्या बढ़ानी चाहिए। और इस समय सरकार को ऐसे लोग हायर करने चाहिए जो लगातार कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट संस्थान को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको भी हायर करके गली मोहल्लों तक में आंगनबाड़ी स्तर पर वैक्सीनेशन का भी काम करना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। सक्सेना मेडिकल स्टोर के मालिक संदीप सक्सेना का कहना है कि पिछले साल कोरोना संकट के दौर में उन्होंने लोगों को भोजन बांटा था, इस बार भी वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मेडिकल पर उन्होंने देखा कि इस बार लोग दवा के अभाव में हैं, तो उन्होंने संकट के दौर में गरीब, असहाय और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए फ्री में दवाओं का वितरण करने का सोचा और अपने मेडिकल स्टोर का मुंह इन लोगों के लिए खोल दिया। संदीप इस सेवा भाव से अपने आप को अत्यंत सुखी महसूस कर रहे हैं। पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।